बोलो बोलो। मुंह मिलने बोलते तार पीछे बोलते। हाँ पर क्या बताने पर क्या करता था? कांटे से बोलते चुप चुप। बताने के लिए मना करता था क्या? हाँ बोलेगा तो जान मार दे। है कि हमको बुधवार को मतलब पता चला, मेरा परिवार बताया कि ऐसा सब बच्चा लोग के साथ हो रहा, तो हम तुरंत अपना मंझला लड़का को लेकर उसका घर गए, उसका गार्जियन को दिखाएंगे, देखिए आपका बच्चा इस तरह का मारा है और इस तरह का कांड किया है। उसके बाद हम लोग बोल बाल के चले आए दोनों भाई, के दूसरे दिन उसको बुलाए हम लोग, उसका पिताजी आया और लड़का आया। आने के बाद जब हम लोग 10 लड़का बैठे हैं, उस बीच में वो लड़का कबूल किया कि हम लोग जब बोलने लगे तो बोला कम से हम लोग 1.5 महीना से हम ये कर रहे हैं, और मेरे यहाँ वो बहुत दिन से काफ़ी दिन से टीचर पढ़ा रहा था, बीच में वो लड़का चला भी गया था कहीं बाहर, तो आया फिर बीच में पढ़ाने लगा, फिर उसका तबीयत खराब हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 महीने बाद फिर पढ़ाने लगा। और जब बोलता खाली हम 1.5 महीना ही से ऐसा कांड कर रहे थे। प्राइवेट ट्यूटर नीरज कुमार उनके बच्चों को पढ़ाने आते थे। पढ़ाने के दौरान उनके बच्चों पर सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, जिसके आधार पर बेरमो थाना कांड संख्या 143 दर्ज कर जो इस कांड के अभियुक्त हैं नीरज कुमार, उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया और उनको न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया।